गुड मंडे मॉर्निंग ऑडियंस एंड अ वेरी क्विक टॉक ऑन टू थिंग्स पहली चीज़ विल टॉक अबाउट जो सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है वो बाजे बजाने वाले ऑन इंडिपेंडेंस डे उस पर आल शेयर माई ओपिनियन एंड सेकेंड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड वन ऑफ द प्रोटोकॉल्स ऑफ़ यू एस फ्लैग उस पर मैं बात करूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग तो दो बात है सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस टू बोथ द नेबरिंग कंट्रीज बोथ द नेशन्स अच्छा आ, बहुत से लोग जो ये बात करते हैं ये मैं बहुत टाइम से ये बात देख रहा हूँ हमेशा Uh, एक तो ये बाजा बजाने वाली बात कि यार ये बाजा इतना बजाया जाता है और ये नहीं होना चाहिए बहुत लोग कहते हैं इसी तरह कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कई सारे ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं सारे हर नेशन के उसमें कहते हैं कि जी ऑफ नहीं होना चाहिए हॉलीडेज़ की ज़रूरत नहीं है हाँ वो सफर इकनॉमिक लॉस एंड ऑल दैट मेरा उस पर ओपिनियन ये है कि देखें ये वो दिन होते हैं कि जिसपे कुछ ना कुछ एबनॉर्मल होना चाहिए कुछ ना कुछ एबनॉर्मल होना चाहिए अगर ये दिन भी बाकी 365 डेज की तरह यानी यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू डू ब्रेकफास्ट एंड गो टू ऑफिस एंड स्कूल तो आगे जाके लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उन खास दिनों की अहमियत क्या तो है तो देर शुड बी समथिंग एब और सेलिब्रेशन वो तो होनी चाहिए ये इसका ताल्लुक कोई अंडर डेवलप्ड या डिवलपल्प नेशन से नहीं है। हर जगह यह यही होता है चाहे आप न्यू ईयर की बात कर लें कोई इंडिपेंडेंस डे की मेमोरियल डे किसी की भी ये सब चीज़ें होती हैं और लोग थोड़ा जाहिर अपने लिमिट से आगे भी जाते हैं तो जब वो बाजा बजाने की बात करते हैं तो यार ये तो एक सेलिब्रेशन है एक खुशी यार एक छोटी खुशी है कि कोई घोड़ा थोड़ी चला दिया घोड़ा ये वाला घोड़ा वो तो कुछ नहीं है तो ऐसे आवाज़ें आएंगी बल्कि मैं आपको यहाँ यू का बताऊँ एक बात कि यहाँ जब ये इंडिपेंडेंस डे पर और बाकी दिनों पर जब ये वो फायर करते हैं और जो धमाके होते हैं नॉट दैट दो धमाके लेकिन जो तो हर घर में डॉग है ऑलमोस्ट हर घर में बेचारे डॉग्स जो हैं वो तो बिल्कुल ही मैड हो जाते हैं क्योंकि वो हमारी तरह तो नहीं उनके तो सेंसेस थोड़े डिफरेंट होते हैं तो पूरा यानी एक बड़ा एक सिनेरियो खड़ा हो जाता है यहाँ पर कि घरों में जो ये पैसे वो और बेचारे सीधे साधे डॉग्स जो हैं वो बेचारे मैड हो जाते हैं ये ये सारे धमाके सुन के ये सारी चीज़ें बट स्टिल सेलिब्रेशन होती है और हर जगह होती है दुनिया में तो मेरा ये ये मेरा ओपिनियन है कि यार छोटी छोटी खुशियाँ और बाजा ही तो बजा रहे हैं और थोड़ा एबनॉर्मल है तो पता चलना चाहिए अच्छा दूसरी बात वैन यू टॉक अबाउट द फ्लैग किसी भी नेशन का फ्लैग है एंड वेन पीपल बाय फ्लैग उस पर भी ज़ाहिर लोग के अपने 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 ओपिनियन है लेकिन ज़ाहिर एक अच्छी इकनॉमिक एक्टिविटी भी है एंड वैन यू बाय फ्लैग एंड यू वैन यू पर अप द फ्लैग और चाहे आप अपनी टी शर्ट पर लगाओ या मग पर या वैसे नॉर्मल कोई झंडा आप ले लो कोई चीज़ भी तो ज़ाहिर यू शो योर पेट्रियाटिज़म एंड एवरी थिंग लेकिन यहाँ में आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊँ और एक एक चीज़ जो मैंने भी बहुत कई दफ़ा ऑब्जर्व की कि जाहिर जब सेलिब्रेशन हो रहा होता है लोगों ने झंडा तो ले लिया होता है लेकिन उसके बाद एट द एंड ऑफ़ द कॉन्सर्ट या एट द एंड ऑफ़ द प्रोग्राम या एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर डे ट्रैश में हो रहा है या कहीं ज़मीनों पे पड़े ये सारी चीज़ें या मैं आपको यू एस फ्लैग का एक प्रोटोकॉल बताऊँ वैसे दे आर सो मनी प्रोटोकॉल्स ऑफ़ यू एस फ्लैग अगर आपको यू एस फ्लैग लगाना हो तो उसके कुछ ये जस्ट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँ एक तो है ज़ाहिर इन टर्म्स ऑफ हाइट उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं कि किस हाइट पर लगेगा इफ़ इट इज़ विद अदर फ्लैग्स लाइक टेक्सस के फ्लैग के साथ है स्टेट फ्लैग के साथ या किसी और नेशन के फ्लैग के साथ है तो उसकी हाइट क्या होगी फिर उसकी पोजिशन क्या होगी कि विच साइड गोज अप और डाउन ये वो लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट और प्रोटोकॉल मैं आपको बताऊँ कि जब आपको यू का फ्लैग लगाना होता है तो इट हैज टू बी इन द लाइट यानी अब दिन में आपने लगाया दिन में तो ऑब्वियसली यू हैव दिस सन लेकिन रात में क्या करें तो रात में आपको यू का फ्लैग उतार लेना होता है क्यों क्योंकि रात को अंधेरा हो जाता है आपके घर के बाहर या घर अतराफ में जहाँ भी आपने वो कम्यूनिटी में वो फ्लैग लगाया अनटिल एंड अनलेस वहाँ पर लाइट्स हों जैसे मिसाल के तौर पर जब मैं यू का फ्लैग लगाता हूँ तो मेरे घर के बाहर तो तीन दिन लाइट ऑन होती है जहर मेरे अपने घर की लाइट्स ऑन होती है वो बाहर पाँच छः बल्ब जो हैं वो जल रहे होते हैं तो मैं रात में नहीं उतार आता क्यों क्योंकि रात में लाइट्स हैं तो ये एक बड़ा प्रोटोकॉल है एक फ्लैग का कि भाई इट हैज़ टू बी इन लाइट दिन में लाइट में अगर रात में आपके घर के पास या कम्यूनिटी में लाइट नहीं है तो आपको उसको उतारना होगा और उसको दिस इज़ वन ऑफ द प्रोटोकॉल एंड वेरी इंटरेस्टिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ज़ाहिर है अगर आप फ्लैग वगैरह और यहाँ पर तो ऐसा है कि अब वहाँ तो चलो सिर्फ फ्लैग की बात करते हैं यहाँ पर तो हर चीज़ में टैक्स का फ्लैग हो गया या कोई भी स्टेट वाइज टॉक अबाउट टैक्स या यू का फ्लैग हर चीज़ में आपको नजर आएगा चाहे वो टी शर्ट्स हो यानी यू जस्ट नेम इट यू नेम इट और बाकायदा उस फ्रेम और उस टैक्सेस के फ्लैग या उस यू के फ्लैग की वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है इट्स सच बिग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ऑबियसली पीपल शो दैट एसोसिएशन एंड देर पेट्रियाजम एज वेल अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट वीक नाव थैंक यू